तो हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको वृंदावन ले जा लेके आई हूँ, और इस समय वृंदावन की सड़कों पे इस्कॉन टेम्पल के सामने। तो एक्चुअली हम ना वहाँ जा रहे थे निधिवन देखने के लिए। तो हमने होटल से लोकल सवारी करी और बड़ा मज़ा आ रहा था वृंदावन में घूमने में। तो लोकल सवारी करी, 10 रुपये पर सवारी लेते हैं ये ना। तो हमारा जो होटल रूम था वो ना प्रेम मंदिर के सामने था। तो यहाँ से निधिवन मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो एक्चुअली हम लोग को आइडिया नहीं था ना, तो कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। तो हमने लोकल सवारी ले ली, और ये लोकल सवारी भी हमें अच्छी मिली। और ये हमें इस्कॉन टेम्पल के सामने इसने दिखाया। मेरा इस्कॉन टेम्पल का भी ब्लॉग आएगा अभी। तो ये आप इस्कॉन टेम्पल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, फाउंडर्स ने बनाया हुआ है, जो क्रिश्चियन लीला भक्त में रहते हैं फाउंडर, उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। तो ये हमारा रिक्शा चलने लगा, और ये वृंदावन की सड़कें हैं। और वृंदावन अपने आप में बहुत खूबसूरत सिटी है, शहर है। मुझे तो यहाँ पे मैं दोबारा आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली निधिवन का वीडियो मेरा पहले भी 1 साल पहले भी अपलोड हो रखा है, तो मैंने दोबारा भी बनाया। मैं बोला यार बना देती हूँ, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर आते हैं और वो देखते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, तो फिर उन लोग को अच्छा लगता है वीडियो देखना। तो ये वीडियो मेरा बनाने का तात्पर्य यही है कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोग देखें। तो ये वृंदावन की सड़कें हैं, वृंदावन की खूबसूरती है काफ़ी। ये पुराने ज़माने का मंदिर है वृंदावन का, जिसकी अभी रिपेयरिंग चल रही है। तो आने वाले टाइम में ये भी ओपन होगा, इसे भी ठीक ठाक कर रहे हैं, इसे भी ओपन करेंगे। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी किसी महाराजा ने ही बनाया होगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर बना हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा है। और ये पुंछ की गलियों के बाहर ही है। और अब हम लोग ने गंगा यमुना घाट पे आए हैं, तो जब हम जा ही रहे थे तो हमने सोचा यमुना घाट भी चलते हैं। तो यहाँ का वीडियो तो आपने मेरा देखा ही है, एक मैंने बनाया था, देखा आपने, बहुत खूबसूरत है यमुना घाट भी। और इस समय यमुना जी भी काफ़ी भरी भरी आ रही है। तो मैंने सनसाइट का भी वीडियो बनाया था, सूरज ढलता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। तो बाहर हमने इसी के बाहर कैफ़े में टपरी पे बैठ के चाय और मैगी खाई थी। तो ये देखिए, अब ये निधिवन के बाहर का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है। और ये पुराने ज़माने के बावड़ी टाइप के बने हुए हैं, राजा महाराजा रहते होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया है। और काफ़ी यहाँ पे गायों के लिए भी, गायों के लिए चारा लेके उन्हें खिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सफाई चल रही है इस समय, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है वृंदावन में। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, तो अप्रैल अक्टूबर और सितंबर का महीना बेस्ट होता है घूमने के लिए। आप लोग भी अगर प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर में और सितंबर में बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं निधिवन की तरफ, तो बहुत भीड़ है आज निधिवन में। तो हम लोग फिर भी चले गए, घुसी गए भीड़ में, और हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो देखो जाना तो ज़रूरी है। तो निधिवन के अंदर का मैंने सीन दिखाया। आज निधिवन में बहुत भीड़ थी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आ रखे थे। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि निधिवन खूबसूरत है, और ये जो पेड़ है यहाँ पे 2 जोड़े में लगे हुए हैं, और ये बड़ी तुलसी है। और ये मान्यता है कि ये पेड़ रात को गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण जी रासलीला करते हैं। हिस्ट्रिकल इतिहास उठा के देखा जाए तो ये ऐतिहासिक जगह है निधिवन, जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर और निधिवन, ये हिस्ट्रिकल जगह है और पुरानी जगह है। तो यही, इसमें बहुत सी मान्यताएं हैं निधिवन में। तो आप लोग जब आएंगे तो आपको हर चीज़ बारीकी से पता चल जाएगी। लोग यहाँ की मिट्टी भी उठाते हैं और लकड़ी भी तोड़ के ले जाते हैं। तो देखिए कितनी गैदरिंग और कितनी भीड़ है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये निधिवन के अंदर काफ़ी भीड़ हो रखी है, और इस तरीके से इन्होंने बंदरों से बचाने के लिए ये ऐसे लगा रखा है, क्योंकि यहाँ के बंदर बड़े शैतान बंदर हैं। जैसे कान्हा जी नटखट थे ना, और वो गोपियों के कपड़े खींच के ले जाते थे, माखन चोरी करते थे, तो उसी टाइप के यहाँ के वानर भी बड़े नटखट हैं, वो लोगों के चश्मे और कपड़े उठा के ले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये निधिवन के अंदर का दृश्य है, आप लोग को मज़ा आ रहा होगा देखने में। तो जब कभी भी आएँ तो निधिवन ज़रूर जाएँ, हिस्ट्रिकल जगह है, अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ हो रही है निधिवन में, तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ आपको निधिवन के बारे में। ये देखिए पहाड़,
तो इन पेड़ों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये तुलसी के पेड़ हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं और रात को ये गोपियाँ बन जाती हैं। और ये निधिवन का बाहर का दृश्य है, लोग यहाँ की मिट्टी भी लेके जाते हैं अपने घर में। इसके इतिहास के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये हिस्टोरिकल जगह है और देखने में बड़ा मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे लोग खूब अच्छे से मनमोहक हो जाते हैं और अपने आप में अपना आपा खो बैठते हैं और इतना इंजॉय करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। निधिवन बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर आइएगा, वृंदावन आएंगे। ये हमारी पूरी टीम है, आगे आगे मैं चल रही हूँ, पीछे भाभी बच्चे चल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें निधिवन में घूमने में। और गर्मी भी है बट ठीक है, अच्छा लगा हमें। निधिवन बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा, प्लान बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके के पेड़ हैं, ये नीचे नीचे फैलते हैं और नीचे से सूखे रहते हैं, ऊपर ऊपर हरियाली रहती है। तो ये निधिवन में एक कुंड भी था, हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रहा होगा अपने टाइम में। निधिवन बहुत ही खूबसूरत है मेरे हिसाब से, पूरे पूरे इंडिया में घूम लो ऐसी जगह नहीं दिखती जितनी अच्छी जगह ये दिख रही है। और तभी तो मेरा दोबारा आना हुआ है और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं गोपी बन जाऊं और खूब नृत्य करूं, खूब डांस करूं, क्योंकि यहाँ पे आज म्यूज़िक नहीं इतनी चल रही है और भीड़ भी बहुत भयंकर भीड़ है। तो मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया कि मैं डांस करूँगी गोपी वाले गाने पे और मज़ा आएगा, और पर नहीं कर पाई क्योंकि देखो कहाँ से कहाँ घुसूँगी, इतनी भीड़ हो रखी है। और कुल मिला के निधिवन बहुत खूबसूरत है, कई बार बोल दिया मैंने आपको, ये देखो कितनी, देखो अब हम जब वापस जा रहे थे तो मैंने डोर पे का वीडियो बनाया, ये देखिए जाम लगा पड़ा है, लोगों के लिए इतनी जगह नहीं है कि वो अंदर आ सके। तो ये निधिवन पूरा देखा आप लोगों को, मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट निशा दून घाटी आप लोग के लिए समय निकालते निकालते वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त लोग हो और मेरे वीडियो देखते भी हो और कुछ तो अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ बेकार करते हैं, हाँ हेटर्स भी अच्छे ही होते हैं जो देखने के बाद ही